टीचर ने बच्चों से कहा कि हिंदू धर्म न माने, न पूजा करे, नहीं हाथ और कलावा बांधे। सिद्धार्थनगर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर पर बच्चों को हाथ में कलावा न बांधने और पूजा पाठ न करने की बात कहने का आरोप लगा है। शिक्षक पर ये आरोप वहां पर पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने लगाया है। इस मामले को लेकर स्कूल परिसर में पहुंचे बच्चों के गार्जियन और स्कूल के अध्यापक के बीच हो रही बातचीत और बच्चों का उनके सामने इस तरह के आरोप लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील के घरुआर प्राथमिक विद्यालय का है। इस विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र रामचंद्र पर स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाते हुए अपने घर शिकायत की कि उन्हें रामचंद्र नाम की यह शिक्षक हिंदू धर्म के रीति रिवाज को न मानने, पूजा पाठ न करने और हाथ में कलावा न बांधने की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार यह सब झूठ और पाखंड है। बच्चों ने जब ये बात अपने अभिभावकों को बताई तो वे इस बात से नाराज हुए और विद्यालय परिसर में कुछ अन्य लोगों के साथ आकर संबंधित अध्यापक से इसकी पूछताछ और शिकायत करने लगे। इस बीच किसी ने इस पूरे घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल इस वीडियो में स्कूल के बच्चे साफ तौर पर शिक्षक रामचंद्र को उनसे इस तरह की बातें की बात करते हुए सुने जा रहे हैं। साथ ही गार्जियन का आक्रोश भी खूब देखने को मिल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जनपद में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको संज्ञान में लेकर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फौरन एक जांच कमेटी गठित कर मामले के जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। विकास खंड बढ़नी के प्राथमिक विद्यालय घरवार का एक प्रकरण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और तो फेसबुक पर भी लाइव लोगों ने किया था। उसमें एक अभिभावक और बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि एक टीचर चंद्र प्रकाश नाम का एक शिक्षा मित्र है, तो इन्होंने कक्षा में कुछ इस तरह की बातें कही हैं। इसके लिए आज जांच टीम भेजी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी लोटन और खंड शिक्षा अधिकारी डुमरियागंज की संयुक्त टीम वहाँ मौके पर पहुँच गई है और जैसे ही जाँच रिपोर्ट आएगी वैसे यदि दोषी पाए जाएंगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, लगता है कि इस तरह की बातें बच्चों को समझाना, अब जांच रिपोर्ट आ जाए तब चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि उसमें शिक्षा मित्र का भी बयान आया है और उसके बाद सत्यता की जांच हो जाएगी, टीम आ जाए की जांच आ जाए फिर रिपोर्ट फाइनल। अब जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है उसमें तो ये शिक्षा मित्र कह रहा था कि हम लोगों को बच्चों को समझा रहे थे कि तर्क पर विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, पाखंडों से और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अभिभावकों का ये मानना है और बच्चों का ये कहना है कि वो कलावा बांधने से उन्होंने मना किया है और माला पहनने से मना किया है। और चूँकि दोनों लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, अब जांच टीम गई है, बच्चों का बयान लेगी, अभिभावकों का बयान लेगी, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी।